दुनिया का धन तो कितना भी जमा करो महाराज, पल पल घटता है, क्योंकि वो नश्वर है, वो मिटने वाला है, किंतु गोविंद का नाम अमिट है, कभी मिटता नहीं भाई। दुनिया में एक ही तो ऐसी वस्तु जो कभी मिटती नहीं है, और उसका नाम है शब्द, अक्षर, ये कभी मिटते नहीं है भाई। आपकी इन्हीं शब्दों को सुनकर लोगों से मित्रता हो जाती है, इन्हीं शब्दों को सुनकर लोगों से शत्रुता हो जाती है। एक बात किसी ने कह दी, वो आपको झापड़ भी नहीं मारता, किंतु जीवन भर वो बात आप गांठ बांध कर रखते हैं और उससे बात भी नहीं करते। इसी कारण शास्त्र कहते हैं शब्द ब्रह्म है, तो भगवान का नाम भी ब्रह्म ही है, भगवान का नाम कभी मिटता नहीं है। ठाकुर जी का नाम अमिट है, कभी ना मिटने वाला। इसी कारण भैया आप दुनिया के धन को तो खूब कहते हो ये मेरा है, जब तक पिताजी हैं वो कहते मेरा, पिताजी के बाद बेटा आया वो कहता अब मेरा है, बेटा गया पोता आया ये मेरा है। उसको क्यों मेरा मेरा कहना पड़ता है महाराज? क्योंकि वो वास्तव में किसी का होता नहीं है। जो दुनिया का धन है वो किसी का होता थोड़ी है। यदि आपका होता महाराज तो आपके ही पास रहता, आज आपके पास है वही नोट, कल किसी के पास, फिर किसी, वो डोलता ही रहता है। तो वो परम धन आपका नहीं है। परम धन यदि आपका है तो केवल भगवान का नाम, भगवान की कथा ही परम धन, वो आपका है।